नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकैट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल। केड़कर हॉस्पिटल ये अकोला में, महाराष्ट्र में, इंडिया में है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर के बारे में बताया था, जिसको हम डेल्यूजनल डिसमॉर्फोफोबिया भी बोलते हैं। इसमें पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है जो डिफेक्टिव है, और बाद में वो बार 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 वही बॉडी पार्ट के बारे में सोचने लगता है। और कितना भी कन्विंस किया, कितना भी बताया, फिर भी पेशेंट को लगता है कि ये इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाक गड़बड़ है, मेरे आंखें गड़बड़ है, मेरे ब्रेस्ट में गड़बड़ है। ऐसा अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स पेशेंट को लगने लगते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि पेरेंट्स कितना भी रियश्योर करे, लेकिन फिर भी पेशेंट ये चीज समझ नहीं पाता, इसलिए पेशेंट को आपने तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो ये सिंड्रोम से गुजर रहे हैं, और हमारे पास आने के बाद, हमसे बात करने के बाद, हमसे ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट अच्छे हुए हैं। सबसे पहले अगर बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर आप डायग्नोस करते हैं कोई भी व्यक्ति का, तो आपने साइकेट्रिस्ट के पास आना चाहिए। एज अ साइकेट्रिस्ट हमारा रोल है कि पेशेंट को रीअश्योर करना और एक न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करना। न्यूट्रल स्टैंड मतलब पेशेंट को इग्नोर भी नहीं करना और पेशेंट के हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना। पेशेंट की जो पूरी बात है वो समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को ऐसा क्यों लगता है, पेशेंट के ऐसे सोच के बारे में, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, पार्श्वभूमि क्या है, वो भी समझना बहुत जरूरी है। ऐसा हमने देखा है कि पेशेंट अगर बोलता है कि हाँ मेरा नाक खराब है या मेरे आंखें खराब है, तो जब हम पेशेंट को एक्सप्लोर करते हैं तब तो हम ये देख पाते हैं कि पेशेंट को ऐसी किसी ने तो भी चीज बोली है, या पेशेंट का किसी ने मजाक उड़ाया है, इसलिए पेशेंट को ऐसे बार बार ख्याल आ रहे हैं। इसलिए अंडरलाइन कॉज ढूंढना पेशेंट का बहुत ही जरूरी है, और पेशेंट को रीअश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वो अलग अलग प्रकार की रॉन्ग ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर पेशेंट को जिंदगी भर के लिए भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करते हैं, आंखों का ऑपरेशन करते हैं, नाक का प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, और बाद में पेशेंट को कोई भी इसका फायदा होता नहीं। एज अ साइकेट्रिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट की काउंसिलिंग करना और पेशेंट को दवाई देना। अगर पेशेंट काउंसिलिंग से मानता है तो बहुत ही बढ़िया। ऐसे बहुत सारे थेरेपीज है जो डेल्यूजनल डिसमॉर्फोफोबिया और बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में काम आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट को बताना यह जरूरी है कि एक्सेप्ट द वे यू आर एंड एक्सेप्ट द वे यू आर नॉट। जैसे आप है वैसा खुद को एक्सेप्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइट कम है तो एक्सेप्ट करिए आपकी हाइट कम है। अगर नाक थोड़ा टेढ़ा है तो एक्सेप्ट करिए कि नाक टेढ़ा है। अगर बाल कम है तो एक्सेप्ट करिए कि बाल कम है। ऐसा एक्सेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट काउंसिलिंग के परे है, काउंसिलिंग से अगर ये इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर उसके बाद हम पेशेंट को दवाई स्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो पेशेंट के जो बार बार विचार है और एबनॉर्मल थिंकिंग है और एबनॉर्मल जो बिहेवियर है, वो जो दवाइयां है ये विचारों को कम कर सकती है, कंट्रोल में ला सकती है। साथ ही में हॉस्पिटलाइजेशन भी हम पेशेंट का कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट है जो बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर में पेशेंट को काम में आती है, और पेशेंट डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। हमको हमारा ये पैशन है कि हम ये पूरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए, इसीलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे के वीडियोस लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।